स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हम हर दिन आपको स्वच्छ हो रहे भारत की दो तस्वीरें दिखाते हैं। आज भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कहीं ढोल बजे कहीं टीम, कोडरमा में लोगों ने स्वच्छता के लिए की खास पहल। स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बना रही है उत्साही नौजवानों की कम्युनिटी। और अंत में दिखाएंगे आज का स्वच्छता मंत्र। तो हर दिन लोग अलग अलग तरह की पहल कर रहे हैं ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। तो चलिए आपको लिए चलते हैं झारखंड के कोडरमा जिले में, जहां पर प्रशासन ने खुले में शौच से मुक्ति पाने के लिए एक अनोखी पहल की है। ढोल नगाड़ों की आवाज और लोगों का कारवां, ये हिस्सा है एक अभिनव प्रयास का। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए झारखंड के कोडरमा जिले में सरकारी प्रयास तेज हो गए हैं। खुले में शौच करने वाले लोगों के घरों के बाहर टीन बजाकर उन्हें शौचालय निर्माण के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं शौचालय का इस्तेमाल करने वाले लोगों को फूल देकर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। बाहर के जो गंदगी, अच्छा अच्छा जो गंदगी से बच जाते हैं और अपना यूज करता है आदमी, शौचालय से अच्छा लगता है। सप्ताह में एक दिन सुबह सुबह खुद उपायुक्त स्टोली के साथ किसी गांव पर निकल पड़ते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। कोडरमा में टीन और ढोल का यह अभियान पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। लोग तेजी से शौचालय निर्माण में जुटे हुए हैं। हर गांव में 20-20 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि लोगों को शौचालय उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। पूरे कोडरमा को मार्च 2017 तक खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए तकरीबन 60,000 शौचालय बनाए जाने हैं। प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयास से ये लक्ष्य मुमकिन होता दिख रहा है। झारखंड से गजेंद्र के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान सामाजिक साझेदारी के बिना कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अब तो हर समुदाय से बहुत सारे लोग हैं जो इस स्वच्छता अभियान में सामने आने लगे हैं। अगर आज देश के कोने कोने में शौचालय दिखने लगे हैं और गंदगी गायब होने लगी है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन सही मायनों में लोगों का अभियान बन गया है। और हर अभियान की तरह इसे भी बढ़ाने में हाथ था कुछ चुनिंदा व्यक्तियों का, जो बदलाव की पहली चिंगारी बने। हर गांव, कस्बों और शहरों को ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं, जैसे गनहेड़ा को मदन नाथ मिले, कठार को सुशीला कंवर और उदयपुर जिले को रोहित गुप्ता। जो आपकी नाली में आते हुए देख रहा था, नाली का पानी सड़क पे आ रहा है। One thing we realized when we are talking with the community for stopping open defecation, it's an age old practice. So how do we stop it? Something drastic needs to be done to shake up the whole system, to shake up the whole community. एक दिन कुर्सी से सरपंच जी उठी और बोली कि मेरे गांव में, पूरे गांव में जटा तक साफ सफाई नहीं होगा, बटा तक मुंह कुर्सी पे नहीं बैठू। हमारे सरपंच खाली उठे ही नहीं, बल्कि घर घर में जाके लोगों को समझाया भी। लोगों की पुरानी आदत बदलने के लिए नए अंदाज से ये बात उन तक पहुँचानी थी। उनके कहने पर गांव वालों ने शौचालय बनवाया, हमने निगरानी की और लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारे पंचायत में मदन नाथ जी ने कसम खाई थी कि हमारे हर घर में टॉयलेट नहीं बना तो मैंने मूंछ कटवा लूंगा। जब मैंने बोला मेरे समाज वाले को कि भाई टॉयलेट बनाना है, तो आधे लोग तो माना था और आधा लोग नहीं माना था, तो मुझे लगा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मूंछे तो उनकी थी, पर इज्जत तो हमारे पूरे बस्ती की थी। आज कई जगहें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं, जो रह गई हैं वो जल्द ही हो जाएंगी। और सब कूड़े को कम करने और दोबारा उपयोग में लाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या है आज के स्वच्छता मंत्र में।
इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DDNewsLive के जरिए जुड़ सकते हैं। आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वच्छ भारत।